और यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है पेपर के ऊपर आया है, प्रिपेयर टू फॉल एक्चुअली इंडियाज फर्स्ट फ्री रूम वी आर एक्सपेंसिज नॉट फॉर द फेंट हार्टेड एंड बट यू जस्ट कांट गिव इट अ मिस। यार मतलब सच में अगर आप बहुत ही डरते हो ज़ॉम्बीज़ को वगैरह, तो यार मतलब ये बहुत ही अलग एक्सपीरियंस हो सकता है। तो मैं भी अंदर जाने के बाद ही बता पाऊँगा कि यार कितना रियल लगता है एक्चुअली। सो बट यस, ये फेंट हार्टेड लोगों के लिए नहीं है। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो आज मैं जा रहा हूँ जीरो लैटेंसी। अब ये क्या है, ये एक वर्चुअल रियलिटी गेमिंग स्टोर है। एक काफ़ी यूनिक एक्सपीरियंस होने वाला है आज के दिन, बिकॉज आप एक्सपीरियंस करो कि यार आप जो है एक अलग दुनिया के अंदर जा रहे हो। एक हेडसेट आप पहनोगे, एक गॉगल आप पहनोगे और एक अलग दुनिया के अंदर जाओगे, वहां पर जाके आप गेम खेलोगे। जैसे कि इमेजिन करो आप जो पबजी घर पे नहीं, आप मोबाइल में नहीं, आप जो उस ग्राउंड पे जाके पबजी खेल रहे हो उस एक्चुअल गेम के अंदर जाके। तो वैसे ही कुछ आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूँ। हम लोग जा रहे हैं जीरो लैटेंसी, ये जो है इंडिया का सबसे पहला गेमिंग स्टोर है, वीआर गेमिंग स्टोर। उसके बाद काफी सारे मुंबई के अंदर बने, फिर हैदराबाद में भी बना उसके बाद। सो गाइस, इसके लेकर मैं काफी क्यूरियस था यार। जैसे कि आपने मेटावर्स के बारे में काफी सुना है, ये काइंड ऑफ मेटावर्स ही है जहां पर आप वर्चुअली सारी चीजें कर पाओगे। अब गाइस, वीआर को लेकर मैं हमेशा से क्यूरियस था। मैंने काफी बार वीआर हेडसेट भी मंगाया, उनके रिव्यूज भी किया। आपने अगर नहीं देखा तो जाके आप जो देख सकते हो, आपको जो वीआर के बारे में सारी चीजें आइडिया लग जाएगी। सो इस वीडियो के अंदर मैं आपको हर एक डिटेल चीज बताऊंगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं डायरेक्टली, वहां पर मैं आपको मिलता हूँ। तो ये हम लोग आगे जीरो लैटेंसी। अब ये जो मेन रोड के ऊपर नहीं है, थोड़ा सा गली के अंदर, तो कंफ्यूजन हो सकता है। मैं इसका मैप का लिंक वीडियो के नीचे डाल दूंगा। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं जीरो लैटेंसी पर। यहाँ पर आप पीछे देख सकते हो। अब एक्चुअली हुआ क्या है, जब आप अकेले आते हो ना, अकेले को थोड़ा कोप अप करना पड़ेगा ग्रुप के साथ, बिकॉज क्या होता है स्लॉट लिमिटेड है, तो पूरा हॉल आपको दिया जाता है। तो यार जितने ज़्यादा मेंबर्स, मतलब 6 मेंबर्स मैक्सिमम है, तो यार अगर आप अकेले आ रहे हो तो अकेले के लिए पूरा स्लॉट नहीं दिया जा सकता, वो बहुत कॉस्टली गिर जाता है। इसलिए आपको वेट करना पड़ता है, एंड फिर जो वो दूसरा ग्रुप है जिसका आप एडजस्ट कर रहे हो, वो ग्रुप जो गेम सिलेक्ट करेगा वही गेम एक्चुअली मुझे खेलना पड़ने वाला है। सो कोई बात नहीं, ऐसे भी एक्सपीरियंस हम लोग कोई गेमर है नहीं, जो भी गेम वो सिलेक्ट करेंगे मैं वो खेलूंगा और देखते हैं, मैं आपको एक्सपीरियंस बताऊंगा। अब मुझे थोड़ा एक्चुअली रजिस्ट्रेशन करना है, पहले पेमेंट करके उसके बाद रजिस्ट्रेशन करना है। तो गाइज, यहाँ पर आपको जो गेम के लिए कैरेक्टर बिल्ड करना पड़ता है, तो उसके लिए आपको जो आपकी डिटेल्स भर फिल इन करनी पड़ेगी। तो ये जो आप नाम डालोगे डिस्प्ले नेम, तो वहाँ पर आपको जो एक्चुअल लाइव स्क्रीन के ऊपर दिखाएगा आपका स्कोर बोर्ड वगैरह, तो मैं आपको वो चीज़ दिखाऊंगा। तो अभी तो फिल इन कर लेता हूँ। तो बेसिकली टोटल 6 लोग खेल रहे हैं, तो ये सारे 6 लोग हैं और हमारा नाम यहाँ पर जस्ट अपडेट हो चुका है। सो लेट्स प्ले द गेम। तो ये सारे गेम्स है जिन्हें आप खेल सकते हो। सो कोई 45 मिनट्स वाले गेम्स है और कुछ आधे घंटे के है, एंड कुछ 15 मिनट्स वाले भी है। तो यहाँ पर आप जो इनके रेट्स देख सकते हो, तो ये सारे रेट्स वैसे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बट अगर आप 15 मिनट्स के अगर गेम खेलना चाहते हो तो अराउंड आप पकड़ के चलो, ये जो है 899 के प्लस टैक्सेस है, 899 प्लस टैक्सेस। और अगर 15 मिनट के यही सेम प्राइजेस है, और अगर आप हाफ एन आवर के खेल रहे हो, ये बहुत ही पॉपुलर गेम है, तो शायद हम लोग मोस्ट प्रोबेबली यही खेलेंगे। तो 1699 वीकडे का और वीकेंड का 1899, ठीक है। सो ये प्राइजेस है, पर ग्रुप में शायद थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाता है, मुझे ऐसा लग रहा है। और ये सारे आप प्राइजेस देख लो, 30 मिनट्स के कुछ ये प्राइजेस है वीकडे और वीकेंड, एंड यहाँ पर 45 मिनट्स वाले गेम्स है। तो वीकडे यहाँ पर आप देख लो 4499 प्लस टैक्सेस, तो ये थोड़ा सा महंगा गिर जाता है अगर आप 45 मिनट्स के लिए खेल रहे हो, बट हाफ एन आवर मुझे लगता है इनफ होगा। सो लेट्स सी। मैं इस स्क्रीन की बात कर रहा था जहाँ पर आप, अगर आपके कोई मॉम डैड बाहर बैठे हैं जब आप गेम खेल रहे हो, तो आपके दोस्त वगैरह बाहर से आपको देख पाएंगे कि आप जो एक्चुअल गेम के अंदर क्या कर रहे हो, आपके फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं, ये आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाता है। सो यू हैव द प्रोग्रेशन, यू कैन सी दिस ब्लू सर्कल वी कॉल वेव पॉइंट। So whenever you see this blue circle, go for it, stand the blue circle, we'll go to the next level. It's like a checkpoint. So whenever you see this blue circle, go for it. Okay? Then the controller, basically this is your gun. Here you can see the trigger. You have to press the trigger to shoot. And about the trigger button, you can see this blue button. This blue button we call mode button. This mode button is for switching the guns. For example, agar aap machine gun use kar rahe ho, shotgun chahiye, dabao to shotgun aa jayegi. Isse aap gun switch kar sakte ho. Proximity alarm, guys. This is for your safety. First alarm is for other player. One circular radar will appear in the middle of the screen. The middle person is always you, and the person on the screen, this blinking one, is your teammate. So whenever this alarm appears, which means you are too close to your teammate, तो थोड़ा आपको डिस्टेंस मेंटेन करके खेलना है, ताकि आप एक दूसरे पे क्लैश ना हो जाओ। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। आपको गेम में कुछ भी हेल्प लगे तो ऐसा हाथ ऊपर कर लेना, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। ये हमारी गैंग एक्चुअली वॉर के लिए रेडी हो रही है, लिटरली ऐसा ही लग रहा है हम लोग वॉर के ऊपर जा रहे, बिकॉज ये गन और बैकपैक, ईयरफोन्स,
तो चलिए हम लोग रियल एक्शन के लिए रेडी है, मैं भी रेडी होता हूँ। Now go and stand below your name. अब दोस्तों उसने मुझे कहा कि मेरे नाम क्या के जाके रुक जा। तो यार एक्चुअल जब आप उस ग्लास को पहनते हो आप दूसरी दुनिया के अंदर चले जाते हो। जैसे कि यहाँ पर आप देख लो हम लोग एक बिल्डिंग के एज से चल रहे हैं, तो इसलिए वन बाय वन लाइन से हम लोग चल रहे हैं। तो एक्चुअली जो लोग आपके साथ ये खेल रहे हैं आपको एक्चुअली गेम के अंदर दिखते हो, और आप जो एक अलग ही लोकेशन के अंदर जाके उस अलग ही दुनिया के अंदर उस गेम को आप खेल रहे होते हो आप पूरे आपके टीम मेंबर के साथ। तो आपको सामने बहुत सारे जॉम्बीज, ऊपर नीचे रोड्स, बिल्डिंग्स, हेलीकॉप्टर्स, काफ़ी कुछ दिखते हैं और बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस होता है ये चीज़। तो यार सच में मतलब काफ़ी ज़्यादा यूनिक लगता है। और लिटरली यहाँ पर आपको वार्निंग दी जाती है कि आप यहाँ पर वहाँ पर मत भागना, बिकॉज आपको लगता है आप गेम के अंदर हो, बट आप जो यहाँ पर इस रियल वॉर को टकरा सकते हो। ये वीलू पता नहीं सेकंड में हूँ। आप सेकंड हो ना? सब कोई बुला देते हैं। हाँ वो मेरे काम का और एंड यू आर क्या फिर आने का थोड़ा या मोस्ट ऑफ कोर्स यू लॉस 3000 यू लॉस 1000 एक्सेस आपके 19 डे 10 डे 20 किल्स 161 162 ये आपका टीम रैंक है 727 आउट ऑफ 1819 टीम्स और आपका टीम स्कोर है मतलब आज तक यहाँ पर जो खेले ये 1819 टीम्स खेले अभी तक और आपका रैंक इसमें से इतना 727 और ये आपका टीम स्कोर है 29,100 पॉइंट्स और ये सब ऑल टाइम टॉप स्कोर है। मैं आपको दिखा दूं दोस्तों मैं सेकंड रैंक के ऊपर हूँ ड्रॉप आउट इंजीनियर फर्स्ट के बाद। यहाँ पर आप देख लो मैंने 161 जॉम्बीज को मारा और ऊपर वाले ने 206 जॉम्बीज को मारा है। हेडशॉट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं 19-20 और बाकी आप स्कोर देख रहे हो बाकी सारे जॉम्बीज सेम ही है ज़्यादा डिफरेंस नहीं है बट हेडशॉट मेरे काफ़ी ज़्यादा है तो उससे काफ़ी फर्क पड़ता है और बाकी मैं एक ही बार मरा हूँ बाकी सब लोग काफ़ी ज़्यादा बार मरे। तो गाइस कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस? अब मैं ऑफिस के अंदर आके वीडियो क्यों बना रहा हूँ, एक्चुअली मैंने वहीं पर वीडियो शूट किया था बट पता नहीं यार माइक के गड़बड़ के कारण वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया वीडियो। सो एनीवेज मुझे लगा यार आराम से ऑफिस के अंदर जाके मेरा फर्स्ट इंप्रेशन जो भी मैं आपको बताता हूँ। देखो ये तो यार आपको पता है मैंने लास्ट टाइम वीडियो भी बनाया था, अगर आपने नहीं देखा है वीआर हेडसेट का ये चीप वाला है जाके आप परचेस कर सकते हो। सो गाइस देखो यार ये जो एक्सपीरियंस किया मैंने वीआर जो गेमिंग था यार सच में काफ़ी ज़बरदस्त था। अगर आपको वन टाइम इसे एक्सपीरियंस करना है तो मैं डेफिनेटली आपको कहूँगा यार बिंदास जाओ। बट प्राइजिंग थोड़ी सी महंगी है बट यार टेक्नोलॉजी भी काफ़ी महंगी है। तो ये वाले देखो ये वाले काफ़ी चीप है बट जो मैंने वहाँ पर यूज़ किए मैंने जो उसे देखा वो जो गन्स थे जो वीआर हेडसेट्स थे बैकपैक थे सारे वायरलेस थे। तो यार काफ़ी हाई टेक्नोलॉजी उसके अंदर यूज़ की गई है काफ़ी एडवांस है वो। वैसे तो मुझे लगता है यार अभी फ्यूचर में काफ़ी सारे इंप्रूवमेंट्स उसके अंदर आएंगे तो मेटावर्स में अभी काफ़ी ज़्यादा बुलिश हो चुका हूँ मैं इस गेम को खेलने के बाद। तो यार फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है। माइक्रोसॉफ्ट वगैरह काफ़ी लोग इसके अंदर आ रहे हैं, फेसबुक भी आ रहा है। सो यार मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस काफ़ी ज़बरदस्त था बट यार देखो अगर आप फ्रेंड्स के साथ जाओगे तो काफ़ी मज़ा आएगा बिकॉज आप जो कनेक्टेड होके खेलते हो माइक्स एंड हेडफोन्स के साथ खेलते हो तो आप जो अपने ग्रुप के साथ खेलोगे तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा ऐसा मुझे लगता है। वैसे मैंने भी एंजॉय किया बट आप जो ग्रुप के साथ ज़्यादा एंजॉय करोगे। तो यही था मेरा रिव्यू गाइज, मिलते किसी और नेक्स्ट वीडियो के अंदर तो नेक्स्ट जगह। बाय बाय।